जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनवंतरी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्यवान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर धनवंतरी। तो जो DSSSB का एक नया रूल जो 30 जून का गजट आया, शायद वो किसी ने अभी देखा नहीं। एक नया गजट भी आपने अगर नहीं देखा तो मैं जल्दी आपके सामने दिखा दूंगा। लेकिन DSSSB का एक नया रूल आ गया है ये वाला, कि जो लैंग्वेज टीचर हैं, लैंग्वेज टीचर में जैसे कि भाई हिंदी है, उसके अलावा उर्दू है, पंजाबी है, या फिर आपका बंगला है, इस तरह संस्कृत है, तो अब इन्होंने कहा कि आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। तो पहले क्या होता था, लैंग्वेज 3 साल मानी जाते थे, भाई 3 साल अगर होगी तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बट अब आपको ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना होगा कि अगर आपके 50% मार्क्स हैं और आपने उस सब्जेक्ट को 2 साल पढ़ा है, मतलब अगर किसी ने भी हिंदी को 2 साल, तो यहाँ एक कन्फ्यूजन या एक सवाल बन जाता है। जैसे कभी कभार बीकॉम वाले बच्चे हैं जो क्या करते हैं, किसी लैंग्वेज को ना 2 साल पढ़ लेते हैं, जैसे इंग्लिश को 2 साल पढ़ लेते हैं, हिंदी को 2 साल पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब वो भी। यहाँ पर इंग्लिश के लिए रूल बिल्कुल अलग था, ये हिंदी के लिए रूल है। अगर आपने हिंदी पढ़ी है बीकॉम में भी 2 साल, तो इसका मतलब इस रूल के हिसाब से आप एलिजिबल हो जाते हो। किसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो? TGT हिंदी के लिए। अगर आपने संस्कृत पढ़ी है 2 साल के लिए, तो एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, नए नए रूल रोज रोज आ रहे हैं, रूल आ रहे हैं, वैकेंसी नहीं। और ये हम लोगों का भी है कि हम लोग चुपचाप से जब वैकेंसी आएंगे, सारे लोग थंबनेल और वीडियोस बना देते हैं, बट हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं एक कदम और इस बात पे भी सोचना चाहिए कि TGT PGT और PRT तीनों की एज अगर 30 साल कर दी गई है, तो फिर तो एक ही एग्जाम ले लें, दोनों की जरूरत ही क्या है।